हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज एप्पल वॉच के बारे में हमारा वीडियो है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि एप्पल वॉच में आपको सेल्युलर वर्जन लेना चाहिए या फिर सिर्फ ओनली जीपीएस वर्जन लेना चाहिए। दो वर्जन आते हैं, जीपीएस ओनली एज वेल एज सेल्युलर प्लस जीपीएस। तो दोनों में से कौन सा वर्जन लेना चाहिए, इसके बारे में लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। इसमें देखिए दोस्तों, एप्पल वॉच में ऐसा नहीं है कि पैसा फेंक तमाशा रहे, यानी कि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो आपको लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स है और आपको जो है सही रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए कि कौन सा एप्पल वॉच आपको लेना चाहिए। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में मेरे एप्पल वॉच है वो एक सेलुलर वाला है और लेफ्ट हैंड साइड में जो एप्पल वॉच है वो सिर्फ जीपीएस वाली है। दोनों के अंदर अगर आप फिजिकल अपीयरेंस में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं, हालांकि एक सीरीज 2 एक सीरीज 3 है। सीरीज 2 में भी आता है, सीरीज 3 में भी आता है और सीरीज 4 में भी आता है सेलुलर वर्जन ओनली एज वेल एज सेलुलर प्लस जीपीएस वर्जन। दोस्तों दोनों में जो है प्रोज एंड कॉन्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। दोनों ही एप्पल वॉच जो है, एप्पल वॉच सेलुलर वाली एज वेल एज एप्पल वॉच जीपीएस वाली, दोनों के अंदर जो है आप मेक एंड रिसीव कॉल्स कर सकते हैं, यानी कि फोन को डायरेक्टली एप्पल वॉच से रिसीव कर सकते हैं और डायरेक्टली एप्पल वॉच से जो है कॉल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि एप्पल वॉच जो जीपीएस वाली है वो आपके फोन से, आपके आईफोन से कनेक्टेड होना चाहिए वाया ब्लूटूथ ऑलवेज, और एप्पल वॉच जो सेलुलर वाली है दोस्तों उसके अंदर आपको ये कनेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं, यानी कि कनेक्टेड होगी तभी भी कॉल लगेगा और कनेक्टेड नहीं होगी तभी भी कॉल लगेगा, क्योंकि एप्पल वॉच जो सेलुलर वाली होती है उसके अंदर आपको एक ई सिम मिलता है जिसके ज़रिए से जो आपके आईफोन पे नंबर चल रहा है सेम नंबर आपके एप्पल वॉच पे भी चलता है और डायरेक्टली आपके एप्पल वॉच के अंदर वाया वो ई सिम वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई से कनेक्टेड है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो है वाईफाई को ऑफ कर सकता हूँ और सेलुलर को जो है ऑन कर सकता हूँ ये वाली सेलुलर वॉच में, लेकिन अगर आप यही चीज़ जीपीएस वाली वॉच के अंदर देखेंगे तो जीपीएस वाली वॉच के अंदर जब मैं कंट्रोल सेंटर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरी वॉच जो है ये वाईफाई से कनेक्टेड है लेकिन इसके अंदर ये सेलुलर कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। बाकी दोस्तों दोनों ही वॉचेस पे आपको पूरे नोटिफिकेशन व्हाट्सएप वगैरह आई मैसेज जितने भी नोटिफिकेशन सारे मिल जाएंगे। दोनों ही वॉचेस पे आप नेविगेट कर सकते हो डायरेक्टली अपने वॉच से मैप्स का इस्तेमाल करके। दोनों ही वॉच पे आपको सीरी का सपोर्ट भी मिल जाता है तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, और दोनों के अंदर जो है आपको आईफोन ज़रूरी है उसको सेटअप करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सेलुलर वाली वॉच आपने ले लिया तो विदाउट आईफोन भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट टाइम इसको सेटअप करने के लिए आपको आईफोन जो है बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों एप्पल म्यूज़िक की अगर बात करें तो एप्पल म्यूज़िक का जो स्ट्रीमिंग है वो डायरेक्टली आप जो है सेलुलर वाली वॉच पे कर सकते हैं विदाउट अपने आईफोन के, क्योंकि अंदर इसमें अपना खुद का एक नेटवर्क होता है। जबकि जीपीएस वाली वॉच पे आपको एप्पल म्यूज़िक से स्ट्रीम करना है तो आपको वाईफाई या फिर अपने फ़ोन से कनेक्ट होना ज़रूरी है, या फिर आप इन वॉचेस के इंटरनल स्टोरेज में भी म्यूज़िक रख सकते हो और वहीं से उसको सुन सकते हो। केस ऑप्शंस की अगर बात करें दोस्तों तो जो जीपीएस वाली वॉच होती है उसके अंदर सिर्फ आपको एल्यूमिनियम वाला केस मिलता है, लेकिन सेलुलर वाली वॉच अगर आप लेंगे तो आपको उसमें ऑप्शन मिलता है एल्यूमिनियम केस आपको चाहिए या स्टेनलेस स्टील का केस चाहिए। ऑब्वियसली स्टेनलेस स्टील का जो केस वाली वॉच होती है सेलुलर वाली पहले ही जो है जीपीएस वाली से काफ़ी महंगी होती है, और स्टेनलेस स्टील का केस अगर आपको लेना है तो वो और ज़्यादा महंगी होती है। बाकी जो ग्लास वगैरह है और जो बैक साइड में ग्लास है ये दोनों की जो मटेरियल है वो दोनों ही वॉचेज में सेम होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो कि है बैटरी लाइफ, अगर आप बैटरी लाइफ को देखेंगे दोनों ही वॉचेज में तो आपको बिल्कुल भी जो सिमिलर बैटरी लाइफ देखने मिलेगी, दोनों वॉचेज जो है आपको सेम बैटरी लाइफ देते हैं, लेकिन अगर आप जो सेलुलर वाली वॉच है उसको फ़ोन से अलग तरीके से यूज़ करेंगे, यानी कि फ़ोन से वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड नहीं है बल्कि डायरेक्टली आप उसका नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है उस पर बैटरी लाइफ जीपीएस वाली वॉच के मुकाबले कम देखने को मिलेगी। तो अगर आपके लिए बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सेलुलर फंक्शनैलिटी का अलग से इस्तेमाल नहीं करने वाले तो आप जो है जीपीएस वाली वॉच के लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। आप जो है ये दोनों वॉचेस को इस्तेमाल तो अपने फ़ोन के साथ करेंगे, लेकिन अगर आपको घर पे फ़ोन छोड़ के जाना है और अगर आप चाहते हैं कि अपने फ़ोन से कम्प्लीटली दूर हो जाए, उसको फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ लगाए बिना आप अपने वॉच को यूज़ करना चाहते हैं, या फ़ोन आपका स्विच ऑफ भी हो जाए तो आप चाहते हैं कि आपके वॉच पे कॉल्स आते रहे, आप उससे कॉल करते रहे, तो आपको जो है सेलुलर वाली वॉच के लिए वो एक्स्ट्रा 10,000 देना जो है वर्थ है। लेकिन जो रेगुलर वॉच यूज़र है दोस्तों उसको ये सेलुलर वाली वॉच के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना मुझे वर्थ नहीं लगता, क्योंकि जनरली जो है अपने आईफोन के एक्सटेंशन की तौर पे जो है एप्पल वॉच को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी नोटिफिकेशंस और बाकी सारी चीज़ें हेल्थ डेटा वगैरह जो है पूरा सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि इन दोनों वॉचेस के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर एज वेल एज जो हेल्थ डेटा ये आपको बताता है, साथ ही साथ जो नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं और जो कॉल करने की फैसिलिटी आपको दोनों ही वॉचेस में मिलती है ये दोनों को जो है एक साथ खड़ा कर देती है। लेकिन सेलुलर वाली वॉच में एक ही एज आपको ज़्यादा मिलता है, या एक ही जो बोलते हैं प्रो ज़्यादा मिलता है आपको, वो है इसका आईफोन के बिना भी इस्तेमाल कर पाना। तो एक क्वेश्चन जो है मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, क्या हम लोग हमारी जो सेलुलर एप्पल वॉच है उसके अंदर एक अलग नंबर रख सकते हैं
और क्या हम हमारे आईफोन के अंदर एक अलग नंबर रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ई सिम है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको सेलुलर वाली वॉच के अंदर भी वही नंबर देखने को मिलेगा जो आपके आईफोन के ऊपर है। इसके अंदर जो ई सिम है उसमें आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है, सपोज आप जियो इस्तेमाल कर रहे हैं या एयरटेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपनी एप्पल वॉच को उस प्लान के साथ ऐड कर सकते हैं। जियो के अंदर तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एयरटेल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं हुई है, मैं जियो इस्तेमाल करता हूँ, तो जियो के प्लान के साथ मैंने अपने एप्पल वॉच को सेलुलर वाली को सेटअप करके रखा है, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देखने को नहीं मिल रहा यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मैं अपने फ़ोन के बिना भी सेलुलर वाली वॉच को इस्तेमाल कर सकता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, प्राइसिंग की बात करते हैं तो सेलुलर वाली जो वॉच होती है वो जीपीएस वाली वॉच के मुकाबले 10,000 रुपये एक्स्ट्रा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अभी आपको सोचना है क्या ये जो एडिशनल फंक्शनैलिटी आपको देखने मिल रही है सेलुलर वाली वॉच में वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए वर्थ है या नहीं। दोस्तों अगर आप एक नई एप्पल वॉच लेने के लिए मार्केट में जाते हैं तो ये वाला वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे बताइए कि आप सेलुलर लेना चाहेंगे या फिर आप सिर्फ जीपीएस वाली लेना चाहेंगे और अपने पैसे बचाना चाहेंगे। जो भी आप सोचते हो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। अगर आपके दिल में कोई डाउट है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई वीडियो मैं बना पाया तो जरूर आपको बना के बता दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।